For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, my name is Dr. Farah Usman. Today I will discuss diabetes management during Ramzan ul Mubarak. डायबिटीज या शुगर की बीमारी दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज जो कि अमूमन यंग एज में स्टार्ट होती है और इसे इंसुलिन के जरिए मैनेज किया जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज जो कि अमूमन बड़ी एज में स्टार्ट होती है और इसे डाइट के जरिए, ओरल एजेंट के जरिए या इंसुलिन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। पहली बात तो ये कि क्या डायबिटिक्स रोज़ा रख सकते हैं, तो बिल्कुल डायबिटिक्स रोज़ा रख सकते हैं अगर उन्होंने अपने ब्लड शुगर लेवल को और HbA1c लेवल को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, अपनी डाइट को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल किया हुआ है, अपनी मेडिसिन के साथ वो अच्छे तरीके से कंप्लाइंट हैं और वो अपने डॉक्टर के साथ रेगुलरली फॉलोअप कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। डायबिटिक्स को आम लोगों की निस्बत चंद एक रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। उनमें क्या वो कौन कौन से रिस्क हैं? सबसे पहले तो ये कि उनका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका रिस्क टाइप 1 डायबिटिक्स में ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका रिस्क उस सूरत में बढ़ सकता है कि अगर आपने अपनी ड्रग जो मेडिसिन है उसकी डोज को भी कम किया हुआ है और आप अपनी डाइट को भी बढ़ा दें और बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तीसरे नंबर पे आपको डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो सकती है और उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। और लास्टली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिससे कि बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे, इसका रिस्क भी टाइप 1 डायबिटिक्स में ज्यादा होता है और वो भी उस सूरत में और ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर आपने इंसुलिन की डोज को कम किया हो। डायबिटिक्स में भी चंद लोग ऐसे हैं जिनमें के हम ये रिकमेंड करते हैं कि बेहतर यही है कि आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है। उनमें कौन से लोग हैं? सबसे पहले तो ये कि अगर पिछले 3 माह के दौरान ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आप बीमार हुए हों, या आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुई हो, या आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना हो रहा हो, या आपको रिकरेंट आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो, या आपको अगर शुगर की बीमारी है और अब आपको प्रेगनेंसी है, या प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुगर डेवलप हुई है, आप अकेले रहते हो, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, या आपको उसके साथ कोई और भी बीमारियां साथ चल रही हों, और इसके अलावा लास्ट में टाइप 1 डायबिटीज़ को भी हाई रिस्क समझा जाता है, तो इस सूरत में रिकमेंड यही किया जाता है कि बेहतर यही है कि आप रोज़ा ना रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि रमज़ान के दौरान डायबिटीज़ को मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात यह कि ये हर एक इंडिविजुअल का अपना एक पर्सनल डिसीजन है। इसके सब प्रोस एंड कॉन्स, इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सब आपको बता दी जाती हैं, और उसके बाद ये जो पेशेंट है उसकी ये पर्सनल च्वाइस है कि उसने रोज़ा रखना है या नहीं। सबसे पहले तो ये कि रमज़ान शुरू होने के 1.5 से 2 माह पहले आपने अपने फिजिशियन के पास विजिट करना होता है। उस विजिट में जो आपका फिजिशियन है वो आपके सारे ज़रूरी टेस्ट करवा के देख लेगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, HbA1c लेवल है, वो कंट्रोल जा रहा है या नहीं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रही, या इसके अलावा कोई और कोमॉर्बिडिटीज डेवलप तो नहीं हो रही हैं, आपको आपकी ड्रग्स के साथ कंप्लायंस कैसी है, और आपकी जो डोजेजेस हैं आपके लिए वो ठीक हैं या नहीं, और रमज़ान में उस डोज को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है या नहीं। जो शुगर को कंट्रोल करने की दवाइयां हैं वो बहुत किस्मों की होती हैं और वो हर एक इंडिविजुअल के लिए उसकी हिस्ट्री के मुताबिक उसे प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो इसलिए ये कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं तो उसे आप आधा कर दें तो ये आपके लिए रमज़ान में इफ़ेक्टिव होगा। इसलिए आपको रमज़ान से पहले अपने फिजिशियन के साथ ये डिस्कस करना पड़ता है कि आप कौन सी दवाई खा रहे हैं और आपको रमज़ान में इसे किस तरह से लेकर चलना है। इसी तरह से अगर आप इंसुलिन भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइटली अपने फिजिशियन के साथ फॉलोअप करना पड़ता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक्स में तो इसका रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस मेडिसिन के साथ आपको अपने फिजिशियन के साथ फॉलोअप करना पड़ता है। नेक्स्ट बात यह आ जाती है कि आपने अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है। अगर आप पहले 1 से 2 बार कर रहे हैं तो अब आपको 3 से 4 बार करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 10 से 11 बजे एक करेंगे 3 से 4 बजे के दौरान, इफ्तार से 2 से 3 घंटे के बाद, और सहरी से पहले, मतलब ये 4 औकात में आपने अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। और इस बात और इसमें भी आपने क्या देखना है, आप एक तो अपने सिम्टम्स चेक कर रहे हैं, और दूसरा अगर आपका ब्लड शुगर लेवल सहरी से कुछ देर बाद आपने चेक किया है और वो 70 से कम आ रहा है, या फिर आपने दोपहर में चेक किया है तो वो 60 से कम आ रहा है, तो आपको अपना फास्ट ब्रेक करना होगा, और आपको उसे आपको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो रहा है तो आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा।
और दूसरी तरफ अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 300 से ऊपर जा रहा है तो भी आपको अपने फास्ट को ब्रेक करना होगा और आपको अपने उन सिम्टम्स को मैनेज करना होगा। दूसरी नेक्स्ट बात हमारे पास ये आ जाती है कि आप अपने खाने पीने का क्या करें। तो आप जो हेल्थी और बैलेंस डाइट बाकी पूरे साल में ले रहे हैं, आपने रमज़ान में भी उसे वैसे ही जारी रखना है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा ऑयली और फास्ट फूड की तरफ आपने नहीं चले जाना। सहरी में आप ऐसे खानों का इंतखाब करें जिनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी डिलेड होती है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल दिन के काफ़ी हिस्से तक मेनटेन रह सके। फॉर एग्जाम्पल चपाती है, दाल चावल है, सब्जी का सालन है और फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी, ये आप सहरी में इस्तेमाल करें। इफ्तार के वक्त खजूर और दूध का इस्तेमाल करें। खजूर में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक खजूर में 20 कैलोरीज होती हैं। सो अगर आप एक खजूर ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक टीस्पून ऑफ शुगर ले रहे हैं, तो आप एक से दो खजूर तो ले सकते हैं और तीन से ज़्यादा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अपने खाने को आप स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब लोग अगर समोसा खा रहे हैं तो एक फ्राइड समोसा में 250 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप उसी समोसा को बेक कर लें या आप उसे एयर फ्रायर में बना लें तो उसमें हार्डली 100 to 125 कैलोरीज रह जाती हैं। तो इस तरह से आप अपने फूड को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, उसकी कैलोरीज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी रेसिपी आपके घर बन रही है जिसमें बटर या ऑयल यूज़ हो रहा है तो आप उसे बेहतर है कि यूज़ ना करें या बहुत कम मिकदार में यूज़ करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, जो नॉन फास्टिंग आवर्स हैं उसमें 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, और अपने इफ्तार के वक्त एक ही साथ में बहुत ज़्यादा खाना खाने की बजाय कोशिश करें कि आप 2 to 3 स्मॉल मील्स में डिवाइड करें और उसे नॉन फास्टिंग आवर्स में खाएं। सहरी के वक्त खाना खाने की आप ये कोशिश करें कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा हो तो उसके बिल्कुल करीब आप खाना खाएं, ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो दिन में काफ़ी टाइम तक मेनटेन रह सके। एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में डायबिटिक्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि आपने लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन फास्टिंग आवर्स में आप एक्सरसाइज ना करें। आप अगर तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी प्रेयर, तो उसे आप अपनी एक्सरसाइज के तौर पे शुमार कर सकते हैं। दिन के दौरान अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो कोशिश करें कि आप ना सोएं, ताकि आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें, अपने सिम्टम्स का ध्यान रख सकें कि आप कहीं स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, आपको नंबनेस तो नहीं फील हो रही है, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मूड ड्राई तो नहीं हो रहा है, या बार बार आपको वॉशरूम जाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो आपने फ़ौरन से अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, और अगर वो कम या ज़्यादा आ रहा है तो आपने उसे फ़ौरन से मैनेज करना होता है। और इसके अलावा बाकी आपको मेडिसिन की सारी जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है आपको उसके मुताबिक लेकर चलना होता है। ये चंद एक बातें थी जो कि आपको रमज़ान के दौरान अगर आपको डायबिटीज़ है तो इन चंद एक बातों का ख्याल रखना होता है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।